यूपी के चर्चित उन्नाव रेप कांड के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के भाई मनोज सिंह सेंगर की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर के छोटे भाई मनोज सेंगर की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार की देर रात उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां बीते रविवार उनकी मौत हो गई। भाई की मौत के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट ने 72 घंटे की पेरोल दे दी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परियर घाट पर मनोज सेंगर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उन्नाव सांसद साक्षी महाराज समेत कई भाजपा नेता वहां मौजूद रहे। मनोज की मौत को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि मनोज की मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ड्रग ओवरडोज की वजह से मनोज की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक मनोज ने हाल ही में ड्रग्स लेना शुरू किया था और शनिवार को उसने काफी मात्रा में ड्रग्स लिया था, जिसके बाद उसकी काफी तबीयत खराब हो गई। हालांकि उसकी मौत कैसे हुई अभी भी ये स्पष्ट नहीं है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर का छोटा भाई मनोज इलाके में तीन भाइयों में सबसे खूंखार था। वो रावण की पूजा करता था और खुद को लंकेश कहलाना पसंद करता था। वही मनोज चुनाव के वक्त अपने बड़े भाई कुलदीप सिंह सेंगर के लिए चुनाव प्रचार का कमान भी संभाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।